बैठ गई हूं। नहीं प्रिय, तुम मेरे करीब आओ, प्रिय मेरे पास आओ, आओ प्रिय मेरे पास। जुदा होकर तुम्हें बहुत कष्ट उठानी पड़ी होगी, मैं जानता हूं। प्रिय घबराओ नहीं प्रिय। बेटा गौतम, बेटा यहां आओ। बेटा देखो, ये तुम्हारी बड़ी माँ है, बड़ी माँ है। बेटे तुम चलकर अपने माँ से आशीर्वाद लो, जाओ बेटे। या भगवान, एक माँ ये भी है, कितनी भोली है और कितनी सीधी है। और एक माँ ये है जो माँ के नाम पे कलंक है, माँ कहलाने के काबिल नहीं है। जी में आता है किसका गलत अमल। नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो मेरे लाल। चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, मामा होती है, माँ को ऐसा नहीं कहा जाता मेरे लाल। विद्वान यहाँ आओ, प्रे आओ मेरे पास आओ। विद्वान, आज बड़ी रानी बहुत दिनों बाद महल आई है और तुम मुझसे बोल भी नहीं सकती हो। प्रिय भगवान के लिए बोल तो, प्रिय बोल तो। ऐसा सुर में क्यों ढा रही हो प्रिय, बोल तो एक बार। प्रिय प्रिय, तुम तो बड़ी रानी हो, अकल मन होशियार समझदार हो। प्रिय याद करो, तुम्ही ने शरण दिया था, तुम्ही बना दिया था और वो तुम्हारी चौखट पर आई है, तुम उसकी चौखट पर नहीं आई हो। प्रिय तुम बड़ी हो, वो छोटी है, तुम जाकर अपनी छोटी बहन को मनाओ, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। बहन बिजवा, बहन बिजवा, बहन आज तो मुख से नहीं बोल सकती, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू आज मुख से नहीं बोल सकती। ठीक है बहन, मत तू। बिजमा नहीं बोलेगी, अभी मैं जिंदा हूं, मेरे रहते किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अभी तुम मौजूद हो। बेटा गौतम, तुम माँ को साथ लेकर, अपने बड़े भाई को साथ लेकर हवेली चलो, चलो हवेली चलो सब लोग। तुझे बोलना था, तुम मुझसे नहीं बोल सकी, तेरी वजह से कोई खुशी वापस नहीं आ रही। विद्वान, आज ईश्वर ने इसी महल के अंदर हमें एक औलाद नहीं, दो औलाद, दो रानियां, लेकिन तेरी वजह से कोई खुशी वापस नहीं आ रही। विद्वान
आज भी हमें खौफ है कि रियासत के लोग ये उंगली न उठाएं कि महाराज दूसरी शादी करके कष्ट देते हैं। मैंने आज तक तुझे कोई कष्ट नहीं दिया, तेरे इशारे पर कदम रखा। विद्वान सोच लो और समझ लो, समझदार बनो, मौज में आकर मौत को मत भूलो, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कदम डगमगा जाएं, वो तेरे जान के घातक बन जाए। इसे समझ सोच लो और आकर नौ महले में मिलो। रणबीर प्रताप सिंह वह सिपाही हो, मेरे साथ चलो। विद्वान समझ सोच कर अपने दिल पर हाथ रखकर सोच कर आकर मिलो। तुमने ये क्या समझ लिया कि गोविंदा हो, राजा का बेटा हो, जहां का तख्त वारिस बनेगा बिजवा के रहते, ऐसा बिजवा हर किसी नहीं होने देगी। जहां का तख्त वारिस कहीं बनेगा तो सिर्फ मेरा बेटा गौतम बनेगा। तूने क्या सोचा है कि सारा का सारा परिवार यहां पर रहेगा इस रात पहलों में? अलका रानी, तेरे बेटे गोविंदा को तो मौत के घाट उतार दूंगी। याद आया, एक दिन ज्वाला जादूगर मिला था और मुझसे प्यार की बातें कर रहा था। आज वो वक्त आ गया है, मैं जाऊंगी ज्वाला जादूगर के पास और क्यों ना मेरी इज्जत नीलाम हो जाए, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए गोविंदा को मिटवा दूंगी ज्वाला जादूगर। उसके बाद यहाँ का तख्त वारिस मेरा बेटा होगा और हुकूमत चलेगी तो सिर्फ महारानी बिजवा की। खेल देखते जाओ कौन कौन सा खेल खेलती है बिजवा रानी। बोला तो वापस आ गया, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। ला खोपड़ी निकाल, हम पूजा करेंगे। जब माला वापस आया है तो लड़की क्यों नहीं आई है? लड़की भी आएगी, निकाल किशन देवी की खोपड़ी। हमारी तपस्या पूरी हो गई, लड़की आ चुकी है। देखो ये वही है या कोई दूसरी है? संभाल इसको। कैसे देखे है? तो घूंघटकार है, कैसे देखे? वो है कि दूसरी है? खड़ी हो जाओ। लड़की तो वही है
लेकिन कोई ढली ढली सी लग रही है। लड़की वही है मगर ढल गई है, झर गई है नालायक तरीका। क्यों सामने आओ और चंचे लीके तुम्हें चंचला कच कामिनी गुल तो तुम माधव सिंह की पत्नी हो, राजा माधव सिंह की पत्नी हो, उड़ीसा की रहने वाली हो। कौन सा काम है बोलो, कौन सा काम है? काम जानना चाहते तो सुनिए। अरे जादूगर सदियों से दिल में बसी यही बेटी को मरवाने के लिए आई हो। शोध का बेटा है ना, इसीलिए उसको मरवाना चाहती हो। ठीक है, अगर तुम शोध की बेटी को मरवाना चाहती हो तो फिर मेरी बात सुनो, मेरा भी एक काम करना होगा। करोगी ना? अवश्य करूंगी। काम जाने जिगर की दिए हमारी शौद अगर जो प्यार करो तो हम तुम्हारी शौद की बेटी को मार देंगे। बोलो मंजूर है? जादूगर तुम्हारी ख्वाहिश है वसल का जाम पीने का, अवश्य तुम्हें पिलाऊंगी, अवश्य पिलाऊंगी तुम्हें, लेकिन सबसे पहले मेरा काम करो। हम तुम्हारा काम जरूर करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, तुम उस शौद की बेटी को
हमारे पास किसी तरह भेजना होगा। अगर वो हमारे पास तक आ गया तो हम उसे दुनिया से उठा देंगे। लेकिन जादूगर, मैं उससे बात भी नहीं करती हूँ, आप तक कैसे पहुँचाऊंगी उसे? बात नहीं करती हो, हम तुम्हें एक राय दे रहे हैं। हमारे कहने अनुसार तुम काम करो, जाओ यहाँ से वापस महल, और महल में जा करके लोक भवन में चित्त लेट जाओ। महाराज जब तुम्हारे पास आएंगे तो कह देना कि हमारे घर में चक्कर आता है। महाराज जी कहेंगे कि वैद्य को बुलाऊंगा, डॉक्टर बुलाऊंगा, दवा कराऊंगा, इंजेक्शन लगवाऊंगा और तुम ठीक हो जाओ। लेकिन लेकिन तुम कह देना कि मेरी दवा यहाँ नहीं है, मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, मेरे सर की दवा सिर्फ ज्वाला जादूगर के पास है। पहले तो मना करेगा, लेकिन तुम जिद कर लेना और तुम्हारे इसी के द्वारा वो गोविंदा हमारे पास जरूर आएगा जिसको तुम मरवाना चाहती हो। अगर ये वो तुम्हारा शौत का बेटा हमारे पास आ गया तो हम चुटकियों से मसल देंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है जादूगर, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही नाटक करके आप तो फिर तेरी किस बात की है? आओ हमारे सीने से लग जाओ। थोड़ा सबर करो जादूगर। अरे सबर कहाँ हो रहा है, इलू इलू हो रहा है, बदन फड़क रहा है, तुम्हारे लिए तैयार हूँ। आओ सबर करने दो, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अरे जादूगर सैया राय बरेली वाला भी है। अरे जादूगर सैया छोड़ मोरी बैया, जादूगर सैया छोड़ मोरी बैया, अरे हो गैया की रात अब घर जाने। ये हमारे पास आ गई है, हम इसके शाद के बेटी को खत्म कर देंगे और खत्म करने के बाद हम इसको अपने अंडर में ले जाएंगे, अपनी रानी बना करके जादू के महल में रखेंगे। हेलो, ये आगे शिवम मनोरंजन यूट्यूब चैनल, शिवम मनोरंजन यूट्यूब चैनल जो कि पीढ़ी चौराहा फुर्सतगंज, ये हमारे समस्त कलाकारों के लिए 100 रुपए का स्पेशल पुरस्कार। धन्यवाद। अब जादूगर के कहने अनुसार मैं काम करूंगी। अब अपने सर का चक्कर का बहाना करके जोर जोर से शोर करूंगी और महाराज के आने के बाद देखो गोविंदा को किस तरह मैं जादूगर के पास पहुंचाती हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी बचाओ, स्वामी जी। बालम हजारी न लगी
ऐसा मत कहो प्रिय, ऐसा मत कहो। और तुम्हें जीते जी अपने मरने न दूंगा। मरने ना दूंगा और मैयत महल से निकलने ना दूंगा। घबराओ नहीं रणवीर प्रताप सिंह, जाओ कोई डॉक्टर या वैद्य बुला कर ले आओ। सुबह गया राजन। धैर्य मंत्री जी, स्वामी जी, मेरी दवा डॉक्टर और वैद्य के पास नहीं मिलेगी। क्या? हाँ स्वामी जी, मेरी दवा अगर मिलेगी तो सिर्फ झोला जादूगर के पास मिलेगी। हाँ स्वामी जी, झोला जादूगर के पास? प्रिय नहीं, झोला जादूगर के पास किसी को जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा इलाज यही करवाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। वो इतना खतरनाक इंसान है, मैं वहां जाने के लिए इजाजत नहीं दूंगा। नहीं स्वामी जी, मैं बच नहीं पाऊंगी, मुझे लग रहा है। पिताजी, हम जाएंगे दवा लाने के लिए, क्योंकि माँ बहुत सीरियस हो रही है। पिताजी। बेटा नहीं, बेटवा तू ना जा। क्यों माँ? तू घर पर आ बेटवा। अगर तू राजमहल में रह पे तो मैं इनके देख के तुम्हारी माँ तारीफ जिया था बेटवा। अगर तू चले जा पे तो हमका कुछ हो गया था बेटवा, बतावा। माँ ठीक ना जा। माँ ठीक कह रही है भैया, माँ की तबीयत। महारानी जी, कोई नहीं जाएगा उस ज्वाला जादूगर के पास, मैं जाऊंगा। आपकी दवा को लाने के लिए मैं जा रहा हूँ और ज्वाला जादूगर से दवा लेकर आऊंगा। ठहरिए, तुम कहाँ को जाओगे? अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो रियासत की देखभाल और महाराज की देखभाल कौन करेगा? सही है मंत्री जी, सही है बात, तो सही है। देखो मंत्री जी, आप रियाया की देख रेख करते हैं और कुंवर को अपनी माँ के पास रहना जरूरी है, और फालतू बचे हम। महारानी जी, हमारी जिंदगी किस काम की अगर आपके काम ना आ सके। मैं आपके दवा के लिए ज्वाला जादूगर के पास जा रहा हूँ और दवा लेकर बहुत जल्द आऊँ। सिपाही नहीं, सिपाही तुम मत जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो राजमहलों में साग सब्जी कौन लाएगा, और राजमहल के अगल बगल गेट की रखवाली कौन करेगा? भैया, माँ ठीक कह रही है, क्योंकि वो माँ है और उसके पास तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। और रही बात दवा की, तो ज्वाला जादूगर के पास दवा लाने के लिए मैं जाऊंगा। माँ मुझे आशीर्वाद दो कि हम ज्वाला जादूगर से दवा लेकर बहुत जल्द वापस आए। मैया,
पिताजी, आप हमें आशीर्वाद दें कि मैं अपने काम में कामयाबी पाऊं। बेटा, मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूं कि क्या करूं और क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा बना है। जाओ बेटा, जब तुम तैयारी बना चुके हो तो जाओ दवा लेकर वापस आना, क्योंकि गौतम का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि गौतम की माँ की तबीयत खराब है। वो अपने बेटे को देखकर अपने दिल में तसल्ली लाएगी, उसका रहना बहुत जरूरी है। जाओ बेटा, तुम ही चले जाओ। विद्वान, मेरे पास आओ। विद्वान, मेरे पास आओ। गोविंदा दवा लाने गया है, और तुम चलो आराम करो, दवा लेकर आएगा और तुम ठीक हो जाओगी। हेलो, और ये आ गए बीएसपीसी।